एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ तीन तरह का स्टार्टर शेयर करने वाली हूं, जो बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत जल्दी बनने वाले स्टार्टर हैं ये। तो पहला स्टार्टर जो है वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, शकरकंद का। शकरकंद को पहले हम लोग उबाल लेते हैं और उसको छोटे छोटे पीसेज में काट लेते हैं। फिर मैं इसमें हरी चटनी मिलाती हूँ। हरी चटनी जो है वो मैं अपने पहले के वीडियो में मैं बताई हुई हूँ कैसे बनता है, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। फिर मैंने लिया है मूंगफली। मूंगफली को मैंने पहले रोस्ट कर लिया है, चाहे आप तेल में हल्का भून लें या चाहे सिंपल ऐसे भी सूखा रोस्ट कर सकते हैं। और उसको मैंने दरदरा करके पीस लिया है। और अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी मिक्स कर देंगे, तो ये हमारा पहला स्टार्टर जो है तैयार हो जाएगा। अब जो ये दूसरा स्टार्टर लिया है मैंने, ये एक मिक्स सैलड है। ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसमें मैंने स्प्राउट मूंग डाला है, चिकपी डाला है जिसे हमने बॉईल कर लिया है, धनिया पत्ता डाला है, खीरा डाला है, अनार डाला है, और मैंने इसमें अंगूर भी डाला है, कैप्सिकम डाला, तीन तरह का कैप्सिकम एक्चुअली मैं इसमें डाली हूँ, जिस रेड है, येलो है और ग्रीन है। वैसे कोई भी कैप्सिकम आप इसमें डाल सकते हैं, किसी भी कलर का। और उसके बाद इसमें मैंने चेरी टमाटर डाला है, और फिर मैंने इसमें सेलरी जो पत्ते वाली होती है वो मैंने डाला है। उसके बाद इसमें और भी चीज़ें आप डाल सकते हो, गाजर डाल सकते हो, और भी आपके पास जो भी सैलेड का सामान होता है आप वो जितना इसमें डालोगे वो उतना हेल्दी होगा। तो ये सब सारी चीज़ें मैं इसमें डाली हूँ। उसके बाद मैं इसमें लेमन जूस डालती हूँ। लेमन जूस भी बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है इसमें, और खट्टापन भी आता है। और फिर मैं इसमें ऑलिव ऑयल डालती हूँ। ऑलिव ऑयल से स्वाद अच्छा आता है और हेल्दी तो होता ही है ये। उसके बाद मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डालती हूँ, उसमें थोड़ा सा मतलब तीखापन आता है और स्वाद भी इसका अच्छा होता है। तो अब इन सबको अच्छे से डालने के बाद मिक्स कर लेते हैं। और इसमें मैं चाट मसाला भी डालती हूँ। तो चाट मसाला आप तब डालिए जब आप इसको सर्व कर रहे हों, क्योंकि उसमें नमक होता है, तो नमक जो है वो पानी छोड़ देता है। तो फिर आप अगर पहले बना के इसे रखते हैं तो उसमें नमक छोड़ देगा, इसीलिए इसमें आप लास्ट में डालिए। तो ये हमारा दूसरा भी तैयार है। अब जो ये हमारा तीसरा स्टार्टर है, ये इडली का मैं बनाती हूँ। ये भी बहुत अच्छा होता है, ये तो बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो इडली को मतलब सिंपल एक इडली बनाते हैं और उसको चार भाग में काट के रख लेते हैं। फिर हमने इसमें शिमला मिर्च और प्याज लिया है। शिमला मिर्च और प्याज को बड़े बड़े पीस में काट देते हैं। अब एक पैन लिया है या कढ़ाई लीजिए, उसमें आप तेल गरम कर लीजिए। कोई भी तेल आप ले सकते हैं, घी ले सकते हैं या फिर आप सरसों तेल, वैसे मैं सरसों तेल में बनाती हूँ तो मैंने सरसों तेल ही लिया है। इसके बाद इसमें मैं करी पत्ता और जो काली सरसों होती है वो, और उड़द की दाल और हींग, इन सब चीज़ों को डाल के मैंने उसका तड़का बना लिया है। अब इसमें मैं जो कटी हुई हमारे पास शिमला मिर्च और प्याज है तो उसको मैं इसमें डालूंगी, और इसके डालने के बाद मैं उसको अच्छी तरह से भून लूंगी। तो इसको थोड़ी सी तेज आंच पे भूनूंगी, क्योंकि ये इसको पकना नहीं चाहिए, पर थोड़ा सा इसमें सौंधा सा स्वाद आ जाता है अगर हम इसको तेज आँच पर पकाते हैं। तो इन सबको अच्छी तरह से भून लेते हैं। भून लेने के बाद हम इसमें बाकी के जो मसाले हैं वो डालते हैं। तो मसालों में मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। लाल मिर्च पाउडर आप चाहे आप तीखी वाली डालें, चाहे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है वो डालें, वो थोड़ी कम तीखी होती है। अगर आपको ज़्यादा तीखी पसंद है तो लाल मिर्च पाउडर डालें, और कश्मीरी पाउडर आप कम तीखी के लिए यूज कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें सांभर पाउडर डाला है, और मैं थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसमें डाली है। तो इन सबको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। नमक मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी इडली में नमक होता है, तो अगर इसमें हम ज़्यादा थोड़ा डालते हैं तो फिर ज़्यादा नमकीन हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसमें कभी नमक डालूंगी। उसके बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें इमली का पानी डालूंगी खटापन के लिए, स्वाद तो इसका अच्छा आता ही है, और ये थोड़ा सा मसाला भी जलेगा नहीं, भुन जाएगा, क्योंकि इमली का पानी डालूंगी तो पानी से थोड़ा मसाला जलता नहीं है। तो वो डालने के बाद अच्छे से इसको थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ी देर और भून लेंगे। Thank you.
अब जब ये सारे मसाले अच्छे से भून जाए तो इसमें हम लोग कटी हुई जो हमारे पास इडली पड़ी है वो हम इसमें मिक्स कर देंगे और उसको अच्छी तरह से सारे मसाले मिक्स होने तक इसको मिलाएंगे और उसके बाद फिर इसमें धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे। तो ये हमारा तीसरा भी स्टार्टर जो है वो तैयार हो जाएगा। ये तीनों स्टार्टर बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत ही जल्दी बनने वाले स्टार्टर हैं, तो आपके गेस्ट को भी बहुत पसंद आएगा और आप भी प्लीज़ इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप लोग को पसंद आया हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।